हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं भी ठीक हूँ और आज मैं कुकिंग करने वाला हूँ फेला राइस, जो कि सी फूड राइस होता है, और स्पेनिश जो कि फ्रेंच डिश है। तो सबसे पहले मैं डालूँगा ऑलिव ऑयल, उसके बाद डालूँगा ऑनियन गार्लिक। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो लेट्स सी। तो हमने गार्लिक ऑनियन डाल दिया, वो थोड़ा सा इसको भूनेंगे यानी कि ब्राउन कलर होने देंगे। इसमें डाल दूंगा मैं रेड कैप्सिकम यानी कि रेड पेपर, और इसको भी हल्का सा टॉस करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे फिर से सी फूड को भी हल्का सा टॉस करना होता है ताकि फ्लेवर आ जाए। इसमें मैंने डाला श्रिम्स और स्क्विड यानी कालामारी। तो इसको भी हल्के से भूनेंगे, गार्लिक और ऑनियन के साथ भूनेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्का सा टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी आपके पास वो भी डाल सकते हैं। इसको भून दिया। इसमें हम हल्का सा यानी वाटर ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें वाटर ऐड किया यानी कि पानी ऐड कर दिया है, और पानी को हल्का सा बॉयल करेंगे, उबालेंगे। इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरीके से मैं कुक कर रहा हूँ, आपको भी सेम फॉलो करना है अगर आप लोग ट्राई करेंगे। तो मैंने इसमें पानी ऐड करके, पानी बॉयल हो गया। इसके बाद मैं इसमें चिकन क्यूब्स डालने वाला हूँ, जो कि मैंने फ्रेश चिकन काटा है, और ग्रीन पीस। आप इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, मिक्स पेपर डाल सकते हैं। और मैंने जो राइस सोक करके रखा था यानी राइस भिगा के रखा था मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर, मोटा वाला राइस, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें डाल दूँगा मैं ऑयस्टर यानी कि ग्रीन मसल्स, देख सकते हैं आप कलर देख सकते हैं, और फ्लेवर भी तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हमारा राइस फाइनली रेडी होने वाला है। तो ये देख सकते हैं राइस होने वाला है रेडी आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैंने इसमें वाइट वाइन भी ऐड किया है, और सॉल्ट पेपर डालना जरूरी है। सॉल्ट पेपर आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। हमारा राइस फाइनली रेडी हो गया है। तो लेट्स सर्व। वाह, गर्मा गर्म, फ्लेवर एकदम मस्त है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।